Hey guys, it's me Decoding YT and welcome to the first Q&A of this channel. So finally I'm making this video. I know bahut late hai. Actually main 100k pe karne wala tha ye like 100k special, but fir socha ki pehle kuch important videos hain, unhe dal dete hain, wo zyada zaruri hai. Aur dekhte ab 2 lakh subscribers hone wale hain. Now sabse pehle I want to say thanks to everyone jisne question pucha hai is Q&A ke liye. पूरे 2.6k questions आए, which is just amazing. And because इतने सारे questions आए, मुझे माफ करना अगर मैं किसी के question का answer नहीं कर पाऊँ. जितने भी comments थे, उनमें से जो सबसे common वाले हैं, जो like maximum लोग पूछ रहे हैं, मैंने उन questions को लिया है, so that I can answer everyone. So yeah, that's the plan. Let's start the video. The first question जो almost सभी ने पूछा है, is कि मेरा नाम क्या है? So, my name is Adarsh and my full name is Adarsh Arijit Kashyap. तो finally name reveal हो गया. Main purpose इस video को बनाने का यही था कि 2 लाख subs होने जा रहे channel पे और मेरे subscribers को मेरा नाम तक नहीं पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं YouTube पे कब से हूँ. तो मैंने अपना फर्स्ट चैनल स्टार्ट किया था 2017 में, मतलब अभी से 6 साल पहले, बट उस पर सीरियसली वीडियोस डालना 2018 से शुरू किया. सो यू कैन सी कि मैं 5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ. बात करें मेरे ओल्ड चैनल की जो मैंने 2017 में शुरू किया था, उसका नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता बिकॉज उस पर फेस कैम वीडियोज हैं, तो फेस रिवील हो जाएगा. और अभी के लिए मैंने उस चैनल के सारे वीडियोज प्राइवेट भी कर दिए, तो मे बी फ्यूचर में आई टेल यू अबाउट द चैनल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज योर इंस्पिरेशन? जब फर्स्ट चैनल क्रिएट किया था मैंने, तो उस समय माई इंस्पिरेशन वॉज प्रिंस रामसे. वो एक कनेडियन यूट्यूबर है, सो आई वॉज इंस्पायर्ड बाई हिम. डिकोडिंग वाईटी को स्टार्ट करने के लिए तो बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ मैं, लाइक पैडी गैलोवे, ब्रायन जी जॉनसन, एल्ग्रो, सनी वी टू. सनी वी टू का नीश आई नो डिफरेंट है, बट हिज एडिटिंग रियली इंस्पायर्ड मी. इसके अलावा फिल्म बूथ, ही इज जस्ट अमेजिंग. मेनली बोलूँ तो पैडी गैलोवे एंड एल्ग्रो, क्योंकि इस यूट्यूब टिप्स वाले नीश में इस टाइप की एडिटिंग और कोई नहीं करता था पहले. इंडिया में तो एल्ग्रो भाई ने ही शुरू किया. ही इज लाइक द पायनियर क्रिएटर ऑफ दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन इंडिया. तो इन लोगों से आई वॉज इंस्पायर्ड. क्या आप अभी स्कूल में हो? तो नहीं, मैं स्कूल में नहीं हूँ. आई हैव फिनिश्ड माई स्कूलिंग. वॉट इज योर एज? ओके, सो अभी रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था सिल्वर प्ले बटन के साथ, एंड उसमें हो गया मेरा हैंड रिवील. तो बहुत लोग मेरे हाथ को देख के स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि मैं 17 साल का हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं 26 साल का हूँ, आधे लोगों को लगता है कि मैं स्कूल में हूँ, आधे लोगों को लगता है कि मेरी शादी हो गई है. सो यू नो इट्स लाइक एक मिस्ट्री बिल्ड हो गई, विच इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. तो अभी जाके कॉमेंट्स में गेस करके बताओ कि वॉट डू यू थिंक मैं कितने साल का हूँ. पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने हिंट दे ही दिया है थोड़ा सा, सो जल्दी से कॉमेंट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता है. सो वीडियो क्रिएशन का हर हिस्सा अलग है, किसी में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी में कम. फर्स्ट इज रिसर्च. रिसर्च करने में अगर कोई बहुत सिंपल टॉपिक है तो 1 से 2 दिन. अगर कोई न्यू टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे, तो बहुत टाइम लग सकता है. स्क्रिप्ट लिखने में 1 से 2 दिन लगता है. ऐसा नहीं है कि एक बार लिखने बैठा तो फर्स्ट सिटिंग में ही कंप्लीट हो गया. बीच बीच में ऑफकोर्स ब्रेक लेना पड़ता है, इसलिए 1-2 दिन लगा के ही लिखता हूँ. वॉइस रिकॉर्ड करने में 1-2 घंटे लगते हैं, एंड फाइनली एडिटिंग में लगता है 20 घंटे का स्क्रीन टाइम. ये भी ऑफकोर्स एक बार में नहीं होता है, तो 2 से 3 दिन लग ही जाते हैं. हाउ डिड यू लर्न वीडियो एडिटिंग एंड हाउ मच टाइम इट टुक? फिर किसी ने पूछा है कि क्या आप वीडियो एडिटिंग सच में फोन से करते हो या कंप्यूटर से? सो यस, मैं 100% एडिटिंग फोन से ही करता हूँ. एज अ प्रूफ आप देख सकते हो मैंने अपने चैनल पे 2 30-मिनट लंबे एडिटिंग ट्यूटोरियल्स भी डाल रखे हैं, जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है. एंड इफ दैट्स नॉट इनफ, यू कैन सी माई एडिटिंग टाइमलाइन. वीडियो एडिटिंग मैंने कहाँ से सीखा? तो खुद से ही सीखा है. और मुझे ये सब सीखने में कितना टाइम लगा? तो मेरा जो पिछला चैनल था उसमें ऐसी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. तो पहले आई डेंट नो हाउ टू एडिट लाइक दिस. सो जो कुछ भी एडवांस सीखा है वो लास्ट 1 ईयर में ही सीखा है मैंने, इन अ फ्यू मंथ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई यू नेम्ड योर चैनल डिकोडिंग YT? तो पहले मैं इस चैनल का नाम अपने नाम पर रखने वाला था, मतलब आदर्श कश्यप, और ऑलमोस्ट ये नाम फाइनली था हमारे इस चैनल का. बट देन एक दिन रैंडमली मेरे मन में डिकोडिंग YT नाम आ गया. मैंने कुछ ब्रेनस्टॉर्म वगैरह अभी नहीं किया था, बिल्कुल रैंडमली आई गॉट दिस आइडिया, एंड आई रियलाइज कि इट्स परफेक्ट फॉर द चैनल. सबसे पहले इसका मीनिंग चैनल डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, डिकोडिंग YT, विच मीन्स डिकोडिंग यूट्यूब. यूट्यूब को डिकोड करना, यूट्यूब के सीक्रेट्स को, यूट्यूब के एल्गोरिदम को डिकोड करना, यही है इसका मीनिंग. बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये नाम बोलने में आसान था, इजिली याद रहने वाला था, यूनिक था, और इस नाम का यूट्यूब हैंडल एंड इंस्टाग्राम हैंडल दोनों ही अवेलेबल था. सो हर एंगल से दिस नेम वॉज परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉट इज योर सजेशन फॉर न्यू क्रिएटर्स? सो मैं वही एडवाइस दूंगा जो मिस्टर बीस न्यू क्रिएटर्स को देता है. देखो, स्टार्टिंग में जब आप यूट्यूब पे नए होते हो तो उस समय आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं होते हैं, ना कैमरा के सामने बोलने आता है, ना वॉइस ओवर करने आता है, एडिटिंग भी नहीं आती है, और अगर आती भी है तो उतने अच्छे से नहीं आती है जितना आना चाहिए. सो ऐसे में द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाओ और इन स्किल्स को गैदर करो.
आई नो सुनने में बहुत बोरिंग लग रहा है क्योंकि आजकल सबको फर्स्ट वीडियो ही वायरल करना है, बट ट्रस्ट मी फर्स्ट वीडियो मेरी भी वायरल नहीं हुई थी। हाँ, इस चैनल की पहली वीडियो वायरल थी, बट इसके पहले जो चैनल था उस पर मैंने 100 से 150 वीडियोस बनाया, तब जाके आई लर्न स्क्रिप्टिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। तो आपके पहले 100 वीडियोस अच्छे नहीं होंगे, उन पे व्यूज आएंगे ये भी एक्सपेक्ट मत करो। जस्ट मेक एज मेनी वीडियोस एज पॉसिबल और सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स गैदर करो। जस्ट इमेजिन कि हर वीडियो के साथ आप एक चीज को भी इम्प्रूव कर लेते हो, तो जब तक 100 वीडियोस डालोगे यू विल लिटरली बिकम अ प्रोफेशनल। सो या, जस्ट इम्प्रूव 1% ईच टाइम, डोंट चेज अर्ली सक्सेस, एंड अपने नीश के सक्सेसफुल क्रिएटर्स को ऑब्जर्व करते रहो एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। What makes you excited for making YouTube videos? सबसे पहले तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट, that makes me excited. No matter कितना भी demotivate हो जाऊँ, when I realize कि इतने सारे लोग मेरे videos के लिए wait कर रहे हैं, then of course that acts as a source of motivation for me. So सभी लोग जो मेरे videos देखते हैं उन्हें दिल से thank you. इसके अलावा यूट्यूबर बनने का बेस्ट पार्ट है आई थिंक क्रिएटिव फ्रीडम जो मुझे मिलता है। कोई भी टॉपिक है उसके बारे में अपना POV शेयर करना, वो भी अपने स्टाइल में, कोई न्यू आइडिया है वो व्यूअर्स के साथ शेयर करना, आई थिंक ये सारी चीजें हैं दैट रियली मेक्स मी एक्साइटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 100K सब्सक्राइबर्स। माई क्वेश्चन इज हाउ मच सपोर्ट डिड यू गेट फ्रॉम योर फैमिली और हाउ मच सपोर्ट डिड दे गिव यू फॉर मेकिंग यूट्यूब वीडियोज। बाय द वे, लव फ्रॉम बांग्लादेश। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम इंडिया। यस, मेरे फैमिली में सभी मुझे यूट्यूब के लिए सपोर्ट करते हैं। ये चैनल तो ग्रो कर रहा है तो सपोर्ट करेंगे ही सब, बट इसके पहले भी मैंने जब चैनल बनाया था उसके लिए भी सब सपोर्ट करते थे, भले ही व्यूज नहीं आते थे तो भी। कभी किसी ने नहीं बोला फैमिली में कि वीडियोज मत बनाओ वगैरह, सो दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। 10th और 12th में कितने नंबर आए थे प्लीज बता दो। सो स्कूल में मैं हमेशा से ही नॉर्मल स्टूडेंट था, लाइक ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। सो 10th में आई गॉट 89%, विच आई थिंक इज नॉट दैट बैड, राइट? और 12th का भी बताना पड़ेगा क्या? चलो नेक्स्ट Q&A में बता दूंगा। आप कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई किए हो एंड आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट? तो मैंने PCM साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई किया है एंड आई एम एन इंट्रोवर्ट। आपका फेवरेट गेम? तो मेरा फेवरेट गेम है माइनक्राफ्ट, वो भी मैंने थोड़ा बहुत ही खेला है और अब तो नहीं खेलता, बट या आई एम अ माइनक्राफ्ट फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? तो मेरे बहुत सारे हॉबीज हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग, पेंटिंग करना, गिटार प्ले करना और भी बहुत कुछ। डू यू वॉच एनिमे? नहीं, मैंने आज तक एक भी एनिमे नहीं देखा है, सो आई डोंट नो व्हाट्स द हाइप अबाउट। अगर आप देखते हो तो कमेंट में मुझे कोई एनिमे रिकमेंड करो जो इजीली अवेलेबल हो देखने के लिए, मैं भी ट्राई करूंगा। Which mobile do you have and which one will you get in future? मैं currently use कर रहा हूँ Samsung Galaxy A52s 5G. Future में मैं कौन सा फ़ोन लूँगा ये तो future आने पे ही पता चलेगा, क्योंकि उस समय तक पता नहीं कौन कौन से मॉडल्स आ जाएँ, तो अभी से आई कांट से, बट आई थिंक आई विल गो फॉर Samsung. When is your birthday? 11th October. जीने के लिए क्या करते हो? खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, सांस लेता हूँ। आर यू बंगाली? नो आई एम नॉट, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कॉमेंट सेक्शन में, ऐसा क्यों? 1 मिलियन होने पे चैनल का पासवर्ड मुझे दे रहे हो ना? हाँ ऑफ कोर्स ब्रो, उसी दिन का वेट है बस। हाउ टू गेट हाउ, वाई टू हाउ, Q&A तो ना। कुछ नहीं समझ आया तो किसे समझे? आई नो मेरा कुछ भी समझ नहीं आया, बट इसको पिक करो, 75 मिलियन सब्स हो जाएंगे। If you could live anywhere, what would that be? मैं रहना चाहूँगा किसी शांत इलाके में, for example in the mountains, या कहीं भी जहाँ पे human population normal से बहुत कम हो and जहाँ nature ज़्यादा हो। I really love these places. Who is your favorite YouTuber and why? So content तो मुझे इतने लोगों का पसंद है कि किसी एक को favorite कहना would be unfair, but overall अगर मुझे किसी का नाम बोलना हो तो it would be MrBeast. मैं MrBeast का हर वीडियो देखता भी नहीं हूँ, बट उनका जो content creation और YouTube के लिए passion है वो मुझे बहुत inspire करता है। जिस तरह से वो video के हर aspect को improve करते गए with time, his videos kept on becoming more extreme and of course his extraordinary success, ये सारे reasons की वजह से I really admire him. Next question है कि मेरी YouTube इनकम कितनी है और फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी। तो फर्स्ट पेमेंट मैं बता सकता हूँ, बट टोटल इनकम बताना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। बस जान लो अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, लाइक मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इसके बारे में फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे कभी, तो उसमें RPM वगैरह सब डिस्कस करेंगे। बात करें फर्स्ट पेमेंट की, तो मुझे मिले थे $465. Hey Decoding YT, your content has a certain X factor that captivates viewers. Can you pinpoint a specific aspect of your content creation process that you believe contributes significantly to this factor? I would say that ये बहुत ही difficult question है, because content creation process में इतनी सारी चीज़ें होती हैं and वो सब equally important है. But since we are talking about captivating viewers, I think वो X factor है किसी भी topic के detail में जाके उसके बारे में दिल से बात करना। I think ये viewers को बहुत पसंद आता है as compared to surface level knowledge. किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, बट बहुत क्रिएटर्स हैं जो वीडियो के टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाते हैं,
उन्हें लगता है कि व्यूअर्स बोर हो जाएंगे, ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाएगा वगैरह। सो मैं इस थिंकिंग को कम्प्लीटली अवॉइड करता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं एक टॉपिक के डेप्थ में जाऊँगा तब जाके ही व्यूअर्स विल फील कि दे हैव एक्चुअली लर्न समथिंग, राइट? और जब उन्हें ऐसा लगेगा कि वो सच में कुछ सीख रहे हैं तब वो वीडियो को देखेंगे ही पूरा, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ। सो या इन माई ओपिनियन टॉपिक के डिटेल में जाना इज द एक्स फैक्टर। क्या आपको स्पॉन्सरशिप का मेल आया है? ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो मैंने अभी तक स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं किया। सो ऑफकोर्स ऐसा तो है नहीं कि मेल्स नहीं आते हैं, बहुत मेल्स आते हैं, बट मैं ब्रांड प्रमोशन को लेके थोड़ा क्रिटिकल हूँ, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही हूँ। जब तक कोई ब्रांड मेरे कॉन्टेंट से अलाइन नहीं होता है तब तक इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट द ऑफर, एंड आई फील क्रेजी समटाइम्स, क्योंकि इसी वजह से मैंने अब तक शायद लाखों के ऑफर्स तो रिजेक्ट किए ही हैं। आई नो साउंड्स इनसेन बट या इट्स ट्रू। वॉट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर यूट्यूब? तो फ्यूचर में किसके लिए क्या प्लान्ड है वो तो कोई नहीं जानता, बट अगर इस चैनल के नियर फ्यूचर की बात करें तो एक बात बताता हूँ आज। ये जो नीश है ना यूट्यूब टिप्स एंड यूट्यूब ग्रोथ, इसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं है बनाने के लिए। एक पॉइंट तक कंटेंट फ्रेश रहता है बट उसके बाद वही सेम चीज़ रिपीट होते रहता है। यूट्यूब अपडेट्स देने वाले चैनल्स की बात नहीं कर रहा, उनके तो मज़े हैं। आई एम सेइंग कि जो मेरे जैसे चैनल्स हैं जो लोगों को एडुकेट करना चाहते हैं, वी हैव वेरी लिमिटेड कॉन्टेंट। तो ये तो लाइक सच है कि एक टाइम के बाद मैं भी सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ, तो उस पॉइंट के बाद के लिए मेरे पास कुछ न्यू कॉन्टेंट प्लान्ड है। वो यूट्यूब रिलेटेड ही रहेगा बट इट विल नॉट बी लाइक माई नॉर्मल वीडियोज, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल कॉन्टेंट होगा, तो आई डोंट नो कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, बट या लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा कंटेंट स्टाइल, एडिटिंग स्टाइल, ये सब भी चेंज करूंगा मैं टाइम के साथ, स्पेशली एडिटिंग। इसके अलावा मुझे मौका मिला तो आई वुड लव टू क्रिएट अ सेकंड चैनल, किस बारे में होगा वो तो अभी मैं नहीं बता सकता, बट यूट्यूब रिलेटेड तो नहीं होगा, तो देखते हैं ये कब हो पाता है। ओके, रैपिड फायर, यूट्यूब और गवर्नमेंट जॉब? तो यूट्यूब। आईफोन और एंड्रॉइड? एंड्रॉइड। गर्लफ्रेंड और सिंगल? इसका आंसर लास्ट में देंगे, फर्स्ट टाइम मुझे भी चाहिए। वेज और नॉन वेज? सो आई एम वेजिटेरियन। आर लव और मनी? Of course your love, wo hai to I have everything. Love you and your voice. Thank you buddy. Next question. Like you said you had few channels before this, but you started this new channel. What made you feel that you should stop that channel and start a new one? What was the saturation point that you felt that your old channel wasn't working out? Didn't you feel like you should just wait for it? So पहले तो मेरा जो पुराना चैनल था उस पर मैं 5 साल से काम कर रहा था, बट results were not at all satisfying. और जब तक मुझे पता चला कि उस नीच में जिसमें मैं था उसमें ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की जरूरत है, तब तक इंटरेस्ट पहला तो खत्म हो गया था, क्योंकि 5 साल कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाना इज वेरी बोरिंग। और इसके अलावा भी बहुत reasons थे, तो मैं चाहता तो उस चैनल को भी ग्रो कर सकता था, बट आई डिसाइडेड कि आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। तो फिर क्वेश्चन होगा कि मैंने डिकोडिंग वाइटिंग ही क्यों स्टार्ट किया, और भी तो किसी टॉपिक पे वीडियो बना सकता था। सो एज आई सेड कि मैं 5 साल से एक्टिवली काम कर रहा था यूट्यूब पे, सो मुझे इतना एक्सपीरियंस आ चुका था कि आई कैन स्टार्ट अ न्यू चैनल विद इन माई इंटरेस्ट एंड ग्रो इट फ्रॉम 0 सब्सक्राइबर्स। आई रिमेम्बर मैं जब 2-3 साल पहले ब्रायन जी जॉनसन, पैडी गैलोवे, इन लोगों की वीडियोस देखता था, तो हर चीज़ के लिए मैं नोट्स बनाता था एक डायरी में जो सेपरेटली यूट्यूब के लिए, और मेरे पास बहुत सारे आइडियाज थे जो मुझे शेयर करने थे और करना है, तो डेट्स वाई आई थॉट ये नीश बेस्ट रहेगा। इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। कैन यू शेयर सम एग्जाम्पल्स ऑफ चैलेंजेस यू फेस्ड वाइल ग्रोइंग योर ओन चैनल एंड हाउ यू ओवरकेम देम? तो इस पे तो बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो प्रोसेस के हर स्टेप में प्रॉब्लम्स आते ही हैं, लाइक स्क्रिप्ट लिखते समय राइटर्स ब्लॉक फेस करना जो कि परफेक्शनिज्म के वजह से होता है, एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वीडियोस कभी कभी बहुत लेट आते हैं। फिर अगर मैं एडिटिंग की बात करूं, उसमें टेक्निकल इश्यूज तो नहीं आते हैं कि ऐप क्रैश कर गया ये सब, बट कोई भी जैसे टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है तो उसके लिए परफेक्ट विजुअल्स लाना स्क्रीन पे, समझ रहे हो ना, जैसे परफेक्ट स्टॉक वीडियोस, परफेक्ट एलिमेंट्स, किस तरह से स्क्रीन पे क्या आएगा, ये सब मैं नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। फिर जैसे वॉइस रिकॉर्ड करना होता है तो एक सर्टेन टाइम पे ही कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। एग्जांपल मेरे लिए मॉर्निंग में उठने के 1-2 घंटे के बाद का समय परफेक्ट होता है, लंच के बाद तो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाता बिकॉज ऑफ द फूड, इसके बारे में भी कभी और डिटेल में बात करेंगे। एंड या यही सारे प्रॉब्लम्स आई फेस। हाउ आर यू सो मच मोटिवेटेड टू मेक वीडियोस? आई एम ऑलवेज लेजी एंड आई डोंट थिंक अबाउट माई वीडियो। आई विल से गोल्स अचीवेबल सेट करो, कभी भी मैट्रिक्स वाले गोल्स मत सेट करना, जैसे कि इस महीने के एंड तक मुझे 1,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं या इस महीने के एंड तक मुझे 1 मिलियन व्यूज चाहिए। ये सारे गोल्स कभी मत सेट करो बिकॉज इन्हें अचीव करना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कितने भी अच्छे वीडियोज डाल दो, एट द एंड वीडियो देखना, चैनल सब्सक्राइब करना, ये व्यूज का ही डिसीजन है, राइट? आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ें। तो गोल्स ऐसे सेट करना है जो अचीवेबल हो, लाइक इस महीने के एंड तक मैं 10 वीडियोज डालूंगा, या इस महीने मैं जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ उसका कोर्स कंप्लीट करूंगा, या इस वीक मैं 2 वीडियोस का स्क्रिप्ट लिखूंगा। ये सारे गोल्स एक्शनेबल है, मतलब आपके कंट्रोल में, यू नो व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू अचीव देम, राइट? और एक डायरी या एक नोटबुक मेंटेन करो जिसमें यू कैन राइट ऑल ऑफ दीज गोल्स। मैं भी यही करता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं फेस रिवील कब करूंगा। देखो मुझे करना तो है फेस रिवील, बट आई एम नॉट श्योर कि कब, और 500K पे कर दूंगा, 1 मिलियन पे कर दूंगा, ऐसे बोल के मैं अभी से हाइप नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, बट कभी तो करेंगे ही, राइट? बहुत लोग पूछ रहे थे अपना सेटअप दिखाओ एक्सेट्रा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि करंटली आई डोंट हैव अ सेटअप जिसकी जरूरत पड़ेगी ही इफ आई वॉन्ट टू डू अ फेस रिवील। ऑफकोर्स कहीं भी तो कर नहीं सकते, तो या अभी से आई कांट रियली से एनीथिंग अबाउट द फेस रिवील। डू यू हैव एनी GF? GF कितना है? 10, 20, 40, 10,000। आपकी शादी कब होगी? इफ यू हैव बोथ फ्रेंड हु इज गर्ल एंड बेस्ट फ्रेंड, डू दे फाइट ओवर यू? एंड इन द एंड हु विंस? ओ माय गॉड, यू गाइस आर रियली कंसर्न्ड विद माय लव लाइफ। तो नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, एंड ऑल्सो आई एम सिंगल, तो ऑफकोर्स नोबडी फाइट्स ओवर मी। सो ये सारे थे क्वेश्चंस। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैं और क्वेश्चंस नहीं ले पाया, बट वंस अगेन थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने क्वेश्चंस पूछा है इस वीडियो के लिए, एंड ऑल्सो थैंक यू टू एवरीवन जो मेरे वीडियोस देखते हैं और इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। ये इस चैनल का फर्स्ट Q&A था, तो मे बी कभी फ्यूचर में आई डू अनदर Q&A एज वेल, जिसमें और भी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।